हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज मैं आपको बहुत अच्छे पॉट्स कैसे कलर करते हैं, अपकीप कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। अभी देखिए, रेनी सीज़न ओवर हो गया है और फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, तो हम लोग को ब्यूटिफाई भी करनी है, प्लांट्स की केयर भी करनी है, सब कुछ करना है। तो ये हम लोग गमले की पेंटिंग करेंगे। खाली ब्यूटिफिकेशन के अलावा भी इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं एंड एडवांटेजेस क्या है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, रेनी सीज़न के बाद मैंने गमलों का थोड़ी केयर करनी शुरू की है। एक तो गमले बाहर निकालते हैं तो जिस एरिया से निकालते हैं वो भी क्लीन हो जाता है, और कई गमलों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये ऑक्सैलिस का मेरा गमला है, ये देखिए, इसमें ये स्नग्स और स्नेल्स लग जाते हैं, तो ये सब भी हट जाते हैं, स्नेल है ये। और दिखाती हूँ, ये देखिए गमले में कितनी ज़्यादा मॉस जम गई है, काई जिसको कहते हैं, ये जम गई है पूरे गमले में। तो इसको पहले दिखाऊंगी मैं कैसे स्क्रैच करेंगे, और ये कपड़ा लेके इससे रगड़ के सफाई करेंगे, वो भी दिखाती हूँ, और फिर पेंट करेंगे। पेंट किससे करेंगे, ये पेंट है, ये है, और इसको पानी में मिला के करते हैं। ये आया है, कितने का आया था ये देखिए, 224 रुपीस का आया है, और ये पानी में मिक्स करके इसका वो बनाया हुआ है, इससे पेंट हो रहा है, वो देखिए, वो मैंने पेंट किया है, दिखाती हूँ। पीस लिली का प्लांट है, पीस लिली का प्लांट है, ये अभी पेंट हुआ है, और अब इसका पेंट होते हुए दिखाती हूँ। ये वाला ये एस्पैरेगस फर्न है, इसका मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसके गमले पेंट होगा, और साथ ही साथ इसकी भी कीप अपकीप हो जाएगी। इसका देखेंगे कि क्या क्या ड्राइड लीव्स हैं, ये सब निकाल देंगे, और अंदर से भी और करके दिखाती हूँ मैं आपको भी। ये कलर की मिक्सिंग हो रही है, ये ब्रश बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, बस अब इसको मिक्स करके ये गमलों में लगाना है। ये पूरी मॉस निकाली जा रही है इसमें, क्लीन होने के बाद अब इसमें पेंटिंग शुरू हो गई है, और इसको देखिएगा कितना चमक, कितने प्लांट में चमक आ जाती है, गमला भी क्लीन हो जाता है, क्लीन होने से इसमें एयर भी आराम से ब्रीथ कर पाता है, जो क्लॉग कर गए हैं उसके जितने भी पोर्स हैं वो सारे खुल जाते हैं, और गमला भी फ्रेश हो जाता है, एयर सर्कुलेशन हो जाती है। तो ये गमले की अपकीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं कि कुछ गमले क्लीन होने के बाद कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्लीनिंग ऑफ पॉट्स एंड पेंटिंग ऑफ पॉट्स, तो मेरा चैनल वीडियो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब।